ये इलाका बनहार और मेरा चकवाल की सियासत में एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ आ गया और ये एक नई हलचल पैदा हो गई है। तो ये इधर इलाका बनहार के मलक शहबाज मरहूम एक बड़ी आला सियासी शख्सियत हैं और उनके ख़ानदान की पूरे इलाका बनहार के लिए बेपनाह खिदमात हैं। तो बहरहाल ये उनके साहबजादे शुजात अवान ने भी PTI के प्लेटफार्म से हल्का 58 चकवाल में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये हम आपको बड़ी अहम और दिलचस्प खबर दे रहे हैं कि ये शुजात अवान जो मरहूम मलक अख्तर शहबाज के भाई हैं, सक्के भाई हैं, वो मैदान अमल में वो भी निकल आए हैं। तो ये यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि PP 22 और PP 23 पर पहले ही मलक अख्तर शहबाज अपनी खिदमात पार्टी की हाईकमान को पेश कर चुके हैं और उन्होंने पार्टी की हाईकमान को बिल्कुल अपने आप को पेश करते हुए बताया कि ये पिछली दफ़ा भी चौधरी परवेज लाई की कामयाबी में इलाका बनहार और मलक अख्तर शहबाज ने कुलीदी किरदार अदा किया था। नहीं तो चौधरी परवेज लाई हमेशा इससे पहले 2002-2008 के इंतखाबात में उन्होंने शिकस्त खाई थी। दोबारा ये 2018 के इलेक्शन में मलक अख्तर शहबाज ये मुस्लिम लीग काफ और PTI के जो मुशरका उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई थे उनकी कामयाबी में मलक अख्तर शहबाज ने कुलीदी किरदार अदा किया था। और अब ये मलक शहबाज मरहूम के दोनों साहबजादे ये शुजात अवान कौमी असम्बली पर और मलक अख्तर शहबाज नीचे सूबाई असम्बली की दोनों नशस्तों पर जिस पर पार्टी हाईकमान उन्हें टिकट देगी तो वो उन्होंने अपने आप को इलेक्शन लड़ने के लिए पेश कर दिया। तो बहरहाल ये इलाका बनहार के अवाम में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि ये गुज़श्ता कई इंतखाबात में इलाका बनहार को सुई गैस की फरहमी का वादा किया गया था मगर वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो उसकी बड़ी वजह ये शुजात अवान बताते हैं कि ये इलाका बनहार की क्योंकि कोई नुमाइंदगी नहीं थी और सारे जो मेम्बरान थे वो दूसरे मकामात से थे तो लिहाजा यहाँ पर सुई गैस भी फराम नहीं हो सकी। तो बहरहाल ये शुजात अवान के ऐलान थे ये इलाका बनहार और चकवाल की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई है।